ये है एप्पल आईपैड एयर का फिफ्थ जनरेशन का पैकेजिंग और ये है उसका एक्चुअल इमेज। बॉक्स कंटेंट में सबसे पहले आईपैड और साथ में इसके स्टिकर्स जो कि एप्पल के होते हैं। इसमें एप्पल ने टाइप सी टू सी केबल दे रखा है और साथ में एक चार्जर जो कि 15 वाट का है। अब बॉक्स करते हैं साइड में और देखते हैं कि इस एप्पल आईपैड में क्या है। ये कुछ इस तरह के पेपर रैप में आता है, हालांकि मैंने इसे यूज़ करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। के बैक में ये एप्पल का लोगो और ये आईपैड एयर लिखा है और इसके बॉटम पार्ट में दो स्पीकर वेंट्स और एक टाइप सी पोर्ट। राइट साइड में ये एप्पल पेन के लिए वायरलेस चार्जर और वॉल्यूम रॉकर बटन्स। ऊपर की तरफ पावर ऑन कम फिंगरप्रिंट सेंसर और दो स्पीकर वेंट्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड कम्प्लीटली खाली है, उसमें कोई बटन्स कोई पोर्ट्स नहीं है। हालांकि इसमें दो स्पीकर वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन स्पीकर सिर्फ एक ही में है और ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही है। स्पीकर की क्वालिटी बेहतरीन है क्योंकि ये ड्यूअल स्पीकर है। राइट साइड में थोड़ा मैग्नेटिक है और ये एप्पल पेन को होल्ड करने के लिए है। इसे ऑन करते ही ये एप्पल का लोगो आता है। पीछे की तरफ ये 12 MP कैमरा, इसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा इसका फ्रंट नॉच जिसमें कि कैमरा और इसे कुछ सेंसर दिए रहते हैं। सबसे पहले मैसेजिंग, सफारी ब्राउजर, इसका म्यूजिक, ईमेल सर्विसेज, कैलेंडर, गैलरी, नोट्स और ये सब कुछ आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स को ओपन करते ही ये कुछ इस प्रकार खुलता है और इसमें कई सारे ऑप्शंस जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अबाउट, सॉफ्टवेयर अपडेट, एयर ड्रॉप, एयर प्ले एंड हैंड ऑफ, सारे कुछ मिलेंगे। इसे बंद करने के लिए सेटिंग्स में ही एक ऑप्शन दिया गया है शट डाउन का, जिसके थ्रू ही आप इसे बंद कर सकते हैं। इसके लेफ्ट पेन में इसके कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशन, साउंड। फोकस में ये D&D है, पर्सनल एंड वर्क। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही एक ऑप्शन है फॉन्ट को चेंज करने का और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी बेहतरीन है और ये लाइट मोड और डार्क मोड भी है। टेक्स्ट को और भी ज़्यादा विजुअल करने के लिए ये बोल्ड टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है। इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी शानदार है, कंपनी क्लेम करती है टोटल 10 घंटे का बैकअप। इसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा ऐप्स कितना बैटरी ले रहा है और इसके बाद प्राइवेसी, एप्पल स्टोर, वॉलेट, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं।
लास्ट में ये सारे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जैसे फेसबुक, गाना, जीमेल, हॉटस्टार, आई मूवीज, यूट्यूब। आप देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। इसके रियर में भी 12MP कैमरा है और ये मैं एक फोटो क्लिक करता हूँ। कैमरे की जो क्वालिटी है वो रियली में ग्रेट है और इस कैमरे से 4K 30fps तक का रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब बारी है फ्रंट कैमरे की, जहाँ पे 12MP कैमरा यूज़ किया गया है और इसकी क्वालिटी भी शानदार है, आप देख सकते हैं। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।